इंडिया में फाइनेंशियल एसेट में डील करने के लिए दो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है NSE एंड BSE, और कमोडिटीज में डील करने के लिए 3 रिकॉग्नाइज एक्सचेंजेस हैं, दैट इज MCX, NCDEX और ICEX। अगर आपको शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स में डील करना है तो NSE और BSE के थ्रू डीलिंग होगी, प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको कमोडिटीज जैसे लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर में डील करना है तो MCX और NCDEX टाइप के एक्सचेंजेस आप उसमें डील कर सकते हैं। ठीक, ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं इनको रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, मीन्स इन सब के ऊपर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कंट्रोल होता है। इसके अलावा इसी के पैरेलल इंडिया में एक और ऐसा मार्केट है जिसमें आप फाइनेंशियल एसेट और कमोडिटीज़ में डील तो करते हैं लेकिन इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट नहीं कर सकता। और इसके अलावा इसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ऊपर ना गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ना गवर्नमेंट की नज़र होती है, और ना आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नज़र होती है। ये अपने आप में पूरी तरह से इलीगल मार्केट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अबाउट द डब्बा मार्केट एंड द डब्बा ट्रेडिंग। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डब्बा मार्केट क्या होता है और किस तरह से डब्बा ट्रेडिंग एक्चुअली की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डब्बा ट्रेडिंग होती कैसे और क्या होती है, और उसके बाद फिर हम डब्बा मार्केट के ऑपरेशंस पे डिस्कशन करेंगे। डब्बा ट्रेडिंग को समझने के लिए आपको जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस उनको समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर्स बाय सेल करते हैं या कमोडिटीज मार्केट में किसी भी कमोडिटी में बाइंग और सेलिंग करते हैं तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है, किस तरह से वो करना पड़ता है। तो अगर आप इन मार्केट में हैं तो या तो आप इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडर हैं। इन्वेस्टर का मतलब जो इन्वेस्ट करके फिर उसका प्रॉफिट बढ़ने पर उसकी जो शेयर की, या मैं भी शेयर का एग्जांपल ले रहा हूं, शेयर की प्राइसेस बढ़ने के ऊपर प्रॉफिट को अर्न करता है। ट्रेडर जो इंट्राडे के अंदर बाइंग और सेलिंग करता है और शॉर्ट टर्म की बेसिस के ऊपर प्रॉफिट अर्न करता है। आप इन मार्केट में एंटर कैसे होंगे, उस मार्केट में एंटर होने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। विदाउट डीमैट अकाउंट आप इन मार्केट्स में एंटर नहीं हो सकते, NSE BSE में ट्रेड नहीं कर सकते। आजकल आपका डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। फाइन, अब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में मान लें, अभी हम एक शेयर का एग्जांपल ले रहे हैं कि आपको किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स को बाय करना, मान लें कि विप्रो लिमिटेड के शेयर्स आपको बाय करना है, 1000 शेयर्स बाय करना है, अभी रेट चल रहा है इसका 50 रुपया, तो आप एक बाइंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं। देखिए इस ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 50,000 रुपीज। और मान लें आप CNC ऑर्डर दे रहे हैं, CNC मींस कैश एंड कैरी, मींस आप इन शेयर्स को होल्ड करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ये बाइंग ऑर्डर लगाएंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में 1000 शेयर जो हैं वो आपके विप्रो के रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे। और क्योंकि 50,000 रुपए इसका ट्रांजेक्शन है तो आप ये विप्रो को 1000 शेयर्स प्लस हो जाएंगे और आपके अकाउंट से जो कैश, जो आप कैश या जो बैलेंस है कैश का बैलेंस, वो 50,000 रुपीज से क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। ये आपका बाइंग ऑर्डर के टाइम पे किया गया ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब शेयर आपकी पोजिशन में आ गए, अब आपने उसको 2-3-4 मंथ रखा, और अब आप कितने भी टाइम उसको रख सकते हैं, 2 दिन 4 दिन, 2-3-4 मंथ, 2-4-5 साल, 10 साल उसको अल्टीमेटली रख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए 3 मंथ के बाद में इसकी प्राइसेस आपको अच्छी मिल रही है, 70 रुपीज इस शेयर की प्राइस चली गई, आपने सोचा कि आप एक सेल ऑर्डर लगाया, बेच दिया जाए, तो जैसी होगा तो सेलिंग ऑर्डर लगाएंगे, 1000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 70 रुपीज आपने बेचा, अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 70,000 रुपये। जैसे ही आप इसको सेल करेंगे तो अब क्या होगा, आपके अकाउंट से विप्रो के 1000 शेयर्स क्या हो जाएंगे, माइनस, और कैश जो होगा वो 70,000 रुपीज प्लस अल्टीमेटली हो जाएगा। इस तरह से आपके स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है, लेकिन ये बाइंग और सेलिंग को बोलना कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिसने इसके पैरेलल डब्बा मार्केट को खड़ा किया। मैं उसको ड्रॉबैक्स तो नहीं बोलता, वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए जिसका बेनिफिट डब्बा मार्केट ने एक्चुअली उठाया। देखिए होता क्या है कि जब आप ये ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो जैसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको आपकी KYC की फॉर्मेलिटीज देना पड़ेगी। क्या क्या देना पड़ेगा, आपको आधार नंबर देना पड़ेगा और इनकम टैक्स का पैन नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही है कि आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है। ठीक है, ये पहली बात, तो पहला तो ये कि आपकी आइडेंटिटी यहाँ डिस्क्लोज हो रही है। दूसरी बात ये कि जब आप कोई बाइंग ऑर्डर लगाएंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में 50,000 रुपये होना ज़रूरी है। अब इस डीमैट अकाउंट में पैसा आएगा कहाँ से, तो वो पैसा आता है आपके बैंक अकाउंट से। ठीक है, बैंक अकाउंट से आपका डीमैट अकाउंट जो होता है लिंक होता है। अब डीमैट अकाउंट में आपको पहले 50,000 रुपीज ट्रांसफ़र करना पड़ेंगे और उसके बाद फिर आप बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। मान लें कि आपने इसमें बैंक अकाउंट से 60,000 रुपीज ट्रांसफ़र किए, तो इसका मीनिंग ये हुआ ये ट्रांसफ़र जो है ये बैंक अकाउंट में आ गया, यहां पर भी डिस्क्लोज हो रहा है ट्रांजैक्शन। अल्टीमेटली बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो अल्टीमेटली डिस्क्लोज होगा, एक नंबर में होगा। ठीक,
उसके बाद एक और इसके अंदर जो जो ऐसा मैं उसको ड्रॉबैक तो नहीं बोलता, लेकिन ड्रॉबैक है जो डब्बा मार्केट को प्रमोट करता है, दैट इज व्हाट ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जब आप यहां पर शेयर्स को बाय करेंगे तो पहली बात तो आपके पास 50,000 रुपया क्या होना चाहिए, होना चाहिए आपके डीमैट अकाउंट में। प्लस इसकी कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब होता है जिसमें ब्रोकरेज आ जाता है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस आ जाते हैं और टैक्सेस आ जाते हैं, जस्ट लाइक IGST, CAGST, SGST, उसके अलावा अपना सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स और कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपसे हर ट्रांजेक्शन के ऊपर लेता है। तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको लग रही है, तो मीन्स अगर ये जो ऑर्डर है 50,000 का है तो 50,000 के अलावा ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आपकी लगेगी, मीन्स सिर्फ 50,000 रुपये आपके अकाउंट से माइनस नहीं होंगे, उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी अल्टीमेटली प्लस करके माइनस होगी। मान लें कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1,200 रुपये है तो आपके डीमैट अकाउंट से 51,200 रुपये माइनस होंगे। उसके बाद जब आप सेल ऑर्डर लगाओगे तो सेलिंग के टाइम पर भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट अल्टीमेटली लगती है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कौन सी लगेगी, वही सेम ब्रोकरेज लगेगा, IGST, CGST, SGST लगेगा और उसके अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स या कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स भी लगता है। इसके अलावा यहाँ पर एट द टाइम ऑफ सेल DP चार्जेस भी लगते हैं, जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है CDSL, NDSL, उसका जो चार्जेस है वो भी अल्टीमेटली यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज इसके अंदर होती है कि आपने 50,000 रुपीस में बाय किया, 70,000 रुपीस में सेल किया, तो आपको पूरे ट्रांजेक्शन पर 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या अगर एक साल से ज्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15% 10% के अकॉर्डिंगली उसके अंदर लगता है, ठीक है। अब इतने सारी चीजें जो है यहां पर इस डब्बा मार्केट को प्रमोट करती है, इसी के पैरेलल कौन सा मार्केट चलता है, अल्टीमेटली डब्बा मार्केट। अब इस डब्बा मार्केट के अंदर देखिए, इस मार्केट में आपको एंटर होना है तो डीमैट अकाउंट चाहिए और डीमैट अकाउंट के लिए KYC चाहिए, जबकि डब्बा मार्केट में एंटर होने के लिए कोई डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक फोन करना है और आपका ट्रांजेक्शन एक्चुअली अपियर हो जाएगा। क्या होता है देखिए मैं बताता हूं। मान लीजिए आपको विप्रो के 1,000 शेयर्स बाय करना है, डब्बा मार्केट चलाने वाले जो लोकल होते हैं उनको बोलते हैं डब्बा ऑपरेटर्स। ये क्या कहलाते हैं आपके, डब्बा ऑपरेटर्स। ये डब्बा ऑपरेटर्स अलग अलग बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं डब्बा ऑपरेटर्स। अब जो उससे डील करता है वो बंदा कहलाता है डब्बा ट्रेडर, ठीक है। ये डब्बा ट्रेडर क्या, जैसे मान लीजिए मुझे डील करना है, मुझे 1,000 शेयर बाय करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो भी लोकल डब्बा ऑपरेटर होगा उसको फ़ोन लगाऊंगा और कहूँगा कि भाई 1,000 शेयर विप्रो के क्या रेट चल रहा है, बोलेगा 50 रुपये, बोले 50 रुपये पर सौदा लिख लो, क्या बोलेगा सौदा लिख लो। जैसे ही वो सौदा लिखने का बोलेगा तो इसके पास एक डायरी होती है, उस डायरी के अंदर 1,000 शेयर एट द रेट ₹50 चढ़ा देगा। एक्चुअल बाइंग नहीं होती, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर हमने एक्चुअली शेयर को बाय किया, फिजिकली शेयर हमारे पास आया, यहाँ पर एक्चुअल बाइंग नहीं होगी, सिर्फ ये बाइंग का सौदा चढ़ाएगा। कौन, डब्बा ट्रेडर, डब्बा ऑपरेटर डब्बा ट्रेडर के बिहाफ पर बाइंग का सौदा चढ़ा देगा। मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन हुआ है किस दिन, मंडे के दिन, ठीक है, तो मंडे के दिन ये सौदा चढ़ा देगा। अब मान लें 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वेडनेसडे को, चलिए 2 दिन बाद ही सही, इस शेयर की प्राइस मार्केट में इससे पता गया तो शेयर की प्राइस चल रही है मान लीजिए ₹55, ठीक है, तो ये डब्बा ट्रेडर डब्बा ऑपरेटर को फोन लगाएगा और बोलेगा अब सौदा काट दो। सौदा काट दो का मीनिंग होगा अब उसको क्या कर दो, सौदे को खत्म कर दो, सेल कर दो। तो ये क्या करेगा, 1,000 रुपये शेयर्स को एट द रेट 55 बेच देगा, ठीक है, बेच देगा इन द सेंस सिर्फ उस सौदे को काट देगा। जो सौदा इसने यहाँ पर 1,000 शेयर ₹50 का लिखा था, जो रिकॉर्ड किया था बाइंग का, अब उस सौदे को वो काट रहा है, मीन्स उसको अल्टीमेटली क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अब देखिए इसमें अगर इसको देखा जाए तो इस सौदे की कॉस्ट होती है 50,000, बेचते टाइम कितनी हो गई 55,000, ये हो गई सेलिंग कॉस्ट, ये हो गई बाइंग कॉस्ट, 55,000 माइनस 50,000, तो बचा कितना, 5,000 रुपये का ये प्रॉफिट हो गया। अब होगा कुछ नहीं, ये प्रॉफिट किसको हुआ है, डब्बा ट्रेडर को। तो इस केस में डब्बा ऑपरेटर डब्बा ट्रेडर को जो डिफरेंस 5,000 रुपीज़ है ये दे देगा। यहाँ पर जितना प्रॉफिट डब्बा ट्रेडर का होगा सेम अमाउंट ऑफ लॉस डब्बा ऑपरेटर का होगा, मींस इसका 5,000 का लॉस है, इसका 5,000 का गेन है, तो ये 5,000 रुपया इसको दे देगा। केस अगर कभी बाय दी वे बाय चांस उल्टा हो जाए कि भाई मान लो रेट 47 चला गया, तो ये ट्रांजेक्शन कितने का हो जाएगा, 47 का, बाय किया था 50 में, सेल कर रहा है 47 में, 3,000 का लॉस है। अब 3,000 रुपया जो है वो डब्बा ट्रेडर डब्बा ऑपरेटर को देगा। मींस यहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे से डील करती हैं, एक पार्टी का गेन दूसरी पार्टी का लॉस होता है, या एक पार्टी का लॉस दूसरी पार्टी का गेन होता है, जिसको हम 2% जीरो सम गेम टेक्निकली बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डब्बा ट्रेडिंग का मैकेनिज्म है। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले
कि जब ये मार्केट के अंदर एंटर होता है तो इसको कोई डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जब डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो केवाईसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और जब केवाईसी नहीं दे रहा तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी आपकी मार्केट के अंदर डिस्क्लोज नहीं हो रही, मींस कोई आइडेंटिटी आपकी डिस्क्लोज नहीं होगी, आपकी पूरी आइडेंटिटी अल्टीमेटली छुपी रहेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई ट्रांजेक्शन में एंटर करते टाइम कुछ भी पैसा नहीं देना, यहाँ पर हमको पूरा 50,000 रुपये देना था, यहाँ पर एक भी ट्रांजेक्शन में एंटर होने के लिए नो कॉस्ट फॉर एंटरिंग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में एंटर होने के लिए कुछ भी नहीं देना, सिर्फ आपके फोन के ऊपर वो क्या करेगा आपका सौदा लिख लेगा, और सौदा लिखने का वो आपसे कोई भी अल्टीमेटली पैसा नहीं लेता, ठीक है। तीसरा ये कि दो एक्स्ट्रा चार्जेस मींस कोई ब्रोकरेज नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई IGST CAGST नहीं, कोई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और कोई कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अल्टीमेटली नहीं लगेगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन एक नंबर में हो ही नहीं रहा, ये ट्रांजेक्शन दबा छुपा ट्रांजेक्शन है, तो इस कंडीशन में फिर कोई भी अलग से टैक्सेस और कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस अल्टीमेटली नहीं लगेंगे, फाइन। तो एक फायदा बंदे को ये हो गया, क्या आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हुई, दूसरा ये कि कोई ट्रांजेक्शन करते टाइम कोई पैसा नहीं लगना, दूसरा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस अल्टीमेटली नहीं लगना। दूसरी बात, जब सेल करेंगे तो सेलिंग के टाइम पर भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगनी, और दूसरा जब ये ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज ही नहीं हो रहा तो इसके ऊपर इनकम टैक्स आप कैसे पे करेंगे, नो इनकम टैक्स विल बी अल्टीमेटली पेड, ठीक है, फाइन। तो इन फायदों की वजह से, और दूसरी बात, अब ये जो पेमेंट होता है 5,000 रुपीज का, ये भी किस में होगा, अल्टीमेटली कैश में होगा, और कैश में हुआ मींस बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, और बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं हुआ मींस ये कहीं पर भी डिस्क्लोज या रिकॉर्ड नहीं हुआ, कहीं पर भी डिटेक्ट अल्टीमेटली नहीं हो सकता। तो इन फायदों की वजह से जो अब डब्बा मार्केट है वो अल्टीमेटली इस मार्केट के ऊपर वो रखता है, और इसलिए जो लोग अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, अपने ट्रांजेक्शन को गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना चाहते, टैक्स बचाना चाहते हैं, और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट और एक्स्ट्रा चार्जेस को बचाना चाहते हैं, तो वो अल्टीमेटली डब्बा मार्केट में आते हैं। आई होप आपको ये डब्बा मार्केट का, डब्बा ट्रेडिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। डब्बा ट्रेडिंग कैसे होता है ये हमने समझ लिया, अब हम देखेंगे कि डब्बा मार्केट किस तरह से ऑपरेट होता है, डब्बा मार्केट का ऑपरेशन किस तरह से एक्चुअली चलता है। एक्चुअली डब्बा मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट डब्बा ऑपरेटर्स होते हैं, और क्योंकि ये अनरेगुलेटेड मार्केट है तो यहाँ पर हो सकता है डब्बा ऑपरेटर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहते हो, लेकिन किसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ये नहीं होता, अनरेगुलेटेड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है। अब डब्बा ऑपरेटर का अपना एक ऑफिस होता है, और यूजुअली डब्बा ऑपरेटर जो होते हैं ये अपने ऑफिसेस को ऐसी जगह पर ओपन करते हैं जहां पर लोगों का फुटफॉल नहीं होता, भीड़ भाड़ वाला इलाका एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि और दूसरी बात ये कि इनके यहां पर कोई भी नॉर्मली इस तरह से कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं होगा, कोई साइन बोर्ड या किसी भी तरह का ग्लो साइन बोर्ड यहां पर नहीं होता, वो सिर्फ अपना काम दबे छुपे तौर पर करते हैं। उनका एक छोटा मोटा ऑफिस होगा, वहां पर 3-4-5 सिस्टम होंगे, और वो सिस्टम के बाद उनके पास एक बड़ा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होगा, जिससे वो मार्केट में जो रेट्स हैं, भाई देखिए ये लोग जो रेट कोट करते हैं वो तो मार्केट से ही कोट करेंगे, जो NSE BSE के अंदर रेट चल रहा है वो वहीं से कोट अल्टीमेटली करते हैं, वहीं से रेट उठाते हैं, तो उनको वो रेट भी अल्टीमेटली मालूम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसी जगह पर होंगे जहां पर लोगों का फुटफॉल एक्चुअली नहीं होता। अब देखिए ऑपरेशंस किस तरह से होगा कि मान लीजिए कि हमारा जो मार्केट चलता है वो कब तक चलता है, मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है, सैटरडे मार्केट ऑफ रहता है, संडे तो अल्टीमेटली ऑफ ही रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर किसी पार्टी ने मंडे के दिन कोई ऑर्डर दिया, मान लीजिए किसी एक डब्बा ट्रेडर ने डब्बा ऑपरेटर को एक ऑर्डर दिया, जिसे मैंने अभी आपको कहा था कि 50,000 के शेयर बाय कर लो, तो इसने क्या कर लिया, सौदा अपनी डायरी के अंदर लिख लिया कि 50,000 रुपये का एक सौदा अल्टीमेटली हुआ है, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको इस बंदे ने इस सौदे को वो कैरी कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, मींस मंडे हुआ ट्यूसडे हो गया वो कैरी करेगा, अच्छा इस टाइम इसको कोई भी पेमेंट नहीं करना, और कैरी करते करते मान लीजिए वेंसडे को, या मान लो ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे के दिन इस शेयर की प्राइस चली गई 53 रुपीज़, तो इसने कहा कि भाई सौदा काट दो, तो सौदा काटेगा तो 53 रुपीज़ में वो सौदा काट देगा। अब 3,000 रुपीज़ हो गए, 3,000 रुपीज़ का डब्बा ऑपरेटर को लॉस हुआ, डब्बा ट्रेडर को प्रॉफिट हुआ, ये यहाँ पर हाथों हाथ पेमेंट अल्टीमेटली यूजुअली नहीं होता। नॉर्मली क्या करते हैं कि ये सौदा जो था ये 3,000 का, इसको प्रॉफिट हो गया, अब ये अमाउंट 3,000 रुपीज डब्बा ऑपरेटर पे के लिए पेएबल है डब्बा ट्रेडर को, डब्बा ट्रेडर को उसको रिसीव करना है, लेकिन वो अभी पे नहीं करेगा। मान लीजिए सेम डे पर उसने एक और ऑर्डर लिखा दिया, और उसके बाद सेम डे पर उसने सौदा लिखवाया और सेम डे पर सौदा काट दिया, वहां पर फिर इसको 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, इसको मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इसको फिर 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो इसको टोटल कितने का 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। फिर उसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट डे, अब हम आ गए किस दिन, वेंसडे को फिर एक सौदा लिखवाया और थर्सडे को उसने वो सौदा कटवाया, तो उसके ऊपर मान ले 4,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब कितना हुआ, 1,000 रुपये का मुनाफा है, ठीक है।
4000 का लॉस है, मींस ये पेमेंट डब्बा ट्रेडर को, डब्बा ऑपरेटर को करना है। अब नेट 1000 है और उसके बाद फ्राइडे हो गया, फ्राइडे को फिर एक सौदा हुआ और मान लीजिए उस दिन फिर उसको 4000 रुपये का लॉस हो गया, तो नेगेटिव कितना हो गया 3000। अब फ्राइडे आ चुका है, फ्राइडे की शाम को मार्केट आखिरी है, सैटरडे के दिन वेट करिए, फाइनल हिसाब डब्बा ऑपरेटर फाइनल हिसाब बनाएगा अपनी एक शीट के ऊपर और वो देखेगा कि मुझे इस डब्बा ट्रेडर से कितना अमाउंट लेना और देना है, ये उसका फाइनल हिसाब है, वो जो भी अपनी स्टाइल में लिखते हो वो लिखेगा। और 3000 रुपये का नेट अमाउंट निकल रहा है डब्बा ऑपरेटर का डब्बा ट्रेडर पे, मींस डब्बा ट्रेडर को डब्बा ऑपरेटर को ये अमाउंट 3000 रुपया पे करनी है। तो 3000 रुपीज़ सैटरडे के दिन ये क्या करेगा, डब्बा ट्रेडर डब्बा ऑपरेटर को 3000 रुपीज़ देकर अपना पूरा जो पूरा वीकली जो 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 जितने भी ट्रांजेक्शन किए थे उन ट्रांजेक्शन को ये फाइनली अल्टीमेटली सेटल कर देगा, ठीक है। तो ये मीन्स कहने का मीनिंग ये कि यहाँ पर यूजुअली जैसे ट्रांजेक्शन होते से ही कैश कर लेन देन, तो यूजुअली ऐसा नहीं होता, वो ट्रांजेक्शन चलते जाते हैं डब्बा ऑपरेटर से डब्बा ट्रेडर्स में, तो वहाँ पर जो फाइनली सैटरडे को जो भी लेन देन होता है वो एक दूसरे से वो लेन देन अल्टीमेटली कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी बाय दी वे बाय चांस मान लें कि इसमें कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अगर उस बंदे ने कहा, मैंने कहा सौदा वो कैरी कर रहा है, अब 50,000 में इसने डब्बा ट्रेडर ने 50 रुपीज़ के रेट से शेयर खरीदे 50,000 रुपये के, अभी कोई पेमेंट नहीं किया है, उस वो आज दिन भर देखा रेट बढ़ने की बजाय उल्टा क्या हो गया 49.50 पर बंद हुआ, उसने उसके बाद ट्यूसडे देखा तो उस दिन 48 हो गया, वेडनेसडे देखा तो ये रेट गिरता जा रहा है, और अगर गिरता जा रहा है तो इस केस में फिर डब्बा ट्रेडर को लॉस होता है। फ्राइडे के दिन के बाद जब लास्ट वर्किंग डे होता है इसके बाद में नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर वो सौदे को कैरी नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि डब्बा ऑपरेटर तो बेटा ही कमाने के लिए, देखिए ये डब्बा मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर इन्वेस्टर जो डब्बा ट्रेडर होता है वो हमेशा लॉसेस में ही जाते हैं मेजॉरिटी, और डब्बा ऑपरेटर ही इसके अंदर कमाता है, तो उसने देखा तो यहां पर सौदा कैरी नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई सौदा काट देंगे, तो फ्राइडे के दिन आप नहीं भी चाहोगे तो वो सौदा काट देगा और जितना भी लॉस हुआ मान लो अगर 46 पर पहुंच गया तो 4000 रुपए का लॉस है। अब सैटरडे के दिन 4000 रुपए का डब्बा ट्रेडर को डब्बा ऑपरेटर को पेमेंट अल्टीमेटली करना पड़ेगा, मींस मोस्ट टू मोस्ट क्या होता है वीकेंड तक आपका सौदा कैरी होता है, उसके बाद यूजुअली वो सौदा को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, करते भी होंगे डब्बा ऑपरेटर अगर सौदा कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो फिर वो बड़े डब्बा ट्रेडर करते हैं जिसके पास लमसम अमाउंट होता है और जो बड़ा गेम खेल रहा है, तो उनके बोलने पर जिनका इन्फ्लुएंस अच्छा है उनके कहने के ऊपर वो सौदा अल्टीमेटली आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट नॉर्मली वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, फाइन। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक। अच्छा, दूसरी बात कि अगर बाय चांस, अब देखिए ये तो मार्केट का मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, उसमें अब होता क्या है कि मान लीजिए कि इसके अंदर इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है पहले हम उसकी बात करें। मान लो डब्बा ट्रेडर को अगर बहुत ह्यूज लॉसेस हो गए, है ना, इसमें सबसे बड़ा जो लालच होता है वो ये होता है कि नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एंटर होते टाइम आपको कोई पैसा एक्चुअली नहीं लग रहा, इस वजह से जो ट्रेडर होते हैं वो बड़े बड़े गेम खेलते हैं और बड़े गेम के अंदर अगर बड़ा प्रॉफिट होगा तो बड़ा लॉस भी होगा, और अगर इसको ह्यूज लॉसेस हो गए तो अब इसको पेमेंट करना है, और इस पेमेंट के को करने के लिए कभी कभी वो डेब्ट ट्रैप में भी फंस जाता है, फिर उसको अपनी प्रॉपर्टीज भी बेचनी पड़ती हैं, ये लोग क्या करते हैं उसको हरासमेंट भी करते हैं, क्योंकि नेचुरली अगर कोई ऑपरेटर बन के बैठा है तो फाइनेंशियली भी साउंड होगा और उसके उसके जो कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स होंगे वो भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ये क्या करते हैं इनको हरास करते हैं, तो ये इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरी बात ये होता है कि अगर उसका उल्टा हो जाए कि डब्बा ऑपरेटर को अगर लॉस होता है, जैसे मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन में डब्बा ऑपरेटर को लॉस हुआ, दूसरे ट्रांजेक्शन में डब्बा ऑपरेटर को लॉस हुआ, तो कुछ लॉसेस को बेयर करने के बाद में डब्बा ऑपरेटर आगे सौदे लिखता ही नहीं है, क्योंकि उसको दिखता है कि भाई मुझे कंटिन्यूसली लॉसेस जा रहा है, तो वो तो पहली बात तो सौदे लिखेगा ही नहीं, फिर वो आगे साफ मना कर देगा आपको कि भाई मैं आपका सौदा नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि वो लॉस को बेयर करने नहीं बैठा, और जो भी डब्बा मार्केट के अंदर घुसा वो कभी भी कमा कर नहीं आता यूजुअली डब्बा ट्रेडर के अंदर, डब्बा ऑपरेटर हमेशा कमाता है, फाइन। उसके बाद अगर मान ले कोई ह्यूज लॉस भी हो गया इसको तो वो क्या, अच्छा भी दूसरी बात क्या होता है, जैसे मान ले कि डब्बा ऑपरेटर को 50,000 रुपये देना निकल रहे हैं, तो हो सकता है वो पूरा पेमेंट एक साथ ना भी करे, 5,000 अभी दे दे, 10,000 ऐसे दे दे, आगे एडजस्टमेंट कर लेंगे, इस तरह भी ये लोग करते हैं। अब मान लें अगर इनको ह्यूज लॉस हो गया तो हो सकता है ये डब्बा ऑपरेटर अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप करके गायब हो जाए, और गायब हो गया तो अब आप इसकी पुलिस रिपोर्ट भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो मार्केट ही अपने आप में इलीगल है, और इलीगल मार्केट की कोई लीगल कोई भी लीगल प्रोसीडिंग एक्चुअली नहीं हो सकती, ठीक है, फाइन। तो ये अपने आप में डब्बा मार्केट का ऑपरेशन था कि किस तरह से डब्बा मार्केट यहाँ पर अपने आप में ऑपरेट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप में पूरी तरह से इलीगल मार्केट है, और इलीगल मार्केट होने का पहला रीजन ये कि क्योंकि यहां पर आइडेंटिटी लोगों की डिस्क्लोज नहीं होती, बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन डिटेक्ट नहीं हो पाते, गवर्नमेंट को
लॉसेस होते हैं, टैक्स का इवेजन होता है, जीएसटी का लॉस हो रहा है, उसके अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का लॉस हो रहा है, और सिक्योरिटी बेचने के ऊपर इनकम टैक्स का अल्टीमेटली गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है ये, उसके अलावा पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन कैश में होता है, और कैश में होने की वजह से यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी बढ़ जाते हैं, और उसके अलावा क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर जो पैसा जाना है उसको वो लोग रोटेट करते हैं लॉन्ड्रिंग के थ्रू, वो लोग क्या करते हैं रोटेट करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और अभी बीच में एनएससी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एडवाइजरीज भी जारी की थी कि भाई आप डब्बा मार्केट से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ये मार्केट में अल्टीमेटली लॉसेस ही होते हैं, क्योंकि इनको रेगुलेट करने के लिए कोई गवर्निंग बॉडी अल्टीमेटली नहीं। फाइनली हम इस पर बात करें कि क्या इसको रोकने के लिए कोई एक्ट बना हुआ है या कोई लॉ बना है, तो यस, यहाँ पर एक एक्ट है सेक्शन 23(1). सेक्शन 23(1) है किसका? SCR है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का। अगर आप डब्बा ट्रेडिंग करते हुए या डब्बा ऑपरेटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो उस केस में ये पनिशेबल ऑफेंस है, और पनिशमेंट कितने का है? 10 years इंप्रिजनमेंट है, मींस 10 साल की आपको जेल हो सकती है, या फिर आपको 25 करोड़, मैक्सिमम 25 करोड़ का फाइन जुर्माना लग सकता है, या फिर ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं, मींस 10 साल की जेल और 25 करोड़ का जुर्माना, ये दोनों एक साथ भी अल्टीमेटली हो सकता है। तो ये अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस है, और इसके अलावा इंडियन पेनल कोड की कुछ सेक्शंस के अंदर भी ये क्या होता है, पनिशेबल ऑफेंस अल्टीमेटली है। तो ये था हमारा डब्बा ट्रेडिंग और डब्बा मार्केट के बारे में, आई होप ये आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकेंडरी। थैंक यू।